कितनी बढ़िया हमारी टमाटर चाट की रेसिपी बनके तैयार हुई है। टमाटर चाट की रेसिपी के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डाला है और आधी चम्मच के आसपास ज़ीरा और 2 से 3 हमने हरी मिर्च को काट के इस प्रकार से डाला है। और थोड़ा सा इसे रोस्ट करने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने लगभग 5 से 6 बड़े साइज़ का लिया है क्योंकि ये टमाटर चाट है, तो ऑब्वियसली टमाटर इसमें ज़्यादा पड़ेंगे ही। तो इस प्रकार से हम इसे डाल के अच्छे से इसे मिला के कवर करेंगे। कवर करने से ही हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से पक भी जाएगा। इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो पे पकाएंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने ढक्कन हटा के इसे फिर से इसे चला दिया है, तो ये टमाटर कुछ सॉफ्ट हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ पे अदरक ऐड करेंगे। अदरक हमने लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास का टुकड़ा लिया है, उसे कूट के डाला है इसमें। अदरक इस प्रकार के चाट में बहुत ही ज़रूरी होता है, इस टमाटर चाट में। तो इसे डालने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ज़रूरी है कलर के लिए, और यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला। सारे मसाले को हमने आधे ही चम्मच रखा है, तो कश्मीरी लाल मिर्च को और चाट मसाले को हमने 1 चम्मच रखा है क्योंकि इसमें कलर भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी और नमक ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया चाट लगता है ये बनने के बाद। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुनने के बाद अब यहाँ पे हम पानी ऐड कर लेंगे इसमें। तो पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इसमें थोड़ी सी उबाल आने देंगे। ये देखिए उबाल आ गया इसमें। अब हम यहाँ पे उबले हुए आलू डालेंगे। उबले हुए आलू हमने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए थे, उसको हमने मैश करके इस प्रकार से इसमें डालेंगे क्योंकि आलू इसमें डालेंगे तभी तो फिर इसका मज़ा आएगा चाट का। ये बहुत ही बढ़िया चाट होता है, आप अपने घर पे इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और अपने फैमिली के साथ इसे शेयर करके खा सकते हैं। तो ये देखिए हमने मैश करके आलू को कुछ इस प्रकार से इसका टेक्सचर बन गया है। ये कितनी गाढ़ी है। तो यहाँ पे मिलाने के बाद हम यहाँ पे इसे नींबू डालेंगे। नींबू हमने लगभग आधी से थोड़ी सी कम इसमें डाला है क्योंकि टमाटर भी मेरा ऑलरेडी खट्टा होता है। और लास्ट में हम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाला डालने के बाद हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस प्रकार के चाट ज़्यादातर बनारस में बहुत ही फेमस होते हैं, इसे बनारसी चाट भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने हरी धनिया लास्ट में ऐड किया है। तो कितना बढ़िया ये इसका टेक्सचर तैयार हुआ है, आपको देखने से इसका स्वाद का भी अंदाज़ा लग गया होगा। तो फाइनली हमारा टमाटर चाट की रेसिपी बनके तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो टेक्सचर है कितना बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इस प्रकार की रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी प्याज से गार्निश किया है ऊपर से, प्याज, हरी धनिया और नमकीन सेव हो आपके पास तो नमकीन सेव भी इस पे डाल सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा टमाटर चाट की रेसिपी बनके तैयार है। तो आप भी इस प्रकार की रेसिपी अपने घर पे ज़रूर बनाएं। ये देखिए कितना बढ़िया है बनके तैयार हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।